हेलो ब्यूटीफुल सोल, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। आज की वीडियो बहुत खास है और रिक्वेस्टेड भी है। आज के वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आपको लाइट वाली बटरफ्लाई दिख रही है, जी हाँ, जिसके अंदर से लाइट निकलते रहती है, तो उस तरह की बटरफ्लाई दिखना क्या संकेत देती है, शुभ है अशुभ है, क्या कहना चाहते हैं परमात्मा आपसे, सब कुछ जानने वाले हैं। बट आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं लाइट वाली बटरफ्लाई दिखने का मतलब क्या होता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अचानक से हर जगह ऐसी बटरफ्लाई दिख रही है जिसके अंदर लाइट होने का अनुभव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर एक चमक है, तो ये बहुत प्योर संकेत है कि आपके साथ परमात्मा की शक्तियाँ रह रही हैं। जी हाँ, देखिए बटरफ्लाई दिखना ही बहुत अच्छा और स्पिरिचुअल मीनिंग होता है। आध्यात्मिक जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका संकेत बटरफ्लाई के जरिए हमें मिलता है, लेकिन अगर बटरफ्लाई में लाइट दिख रहा है तो समझ लीजिए कि लाइट मतलब प्योरिटी, लाइट मतलब परमात्मा, लाइट मतलब सूक्ष्मता। जो चीज़ें हमें नहीं दिख सकती वो लाइट होती है, और अगर आपको ऐसी बटरफ्लाई दिख रही है तो समझ लीजिए कि डिवाइनिक एंजल, डिवाइनिक शक्तियाँ आपके आसपास हैं और आप उन्हें देख पा रहे हैं। आप बहुत लकी हैं कि आपको इस तरह की बटरफ्लाई दिख रही है। इसका सेकेंड मीनिंग, अगर आपको लाइट वाली बटरफ्लाई दिख रही है तो दिखने के साथ साथ ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं। कई बार हम अपने पूर्वजों को भूल जाते हैं, उनकी पूजा करना भूल जाते हैं, उनका नाम लेना भूल जाते हैं, उन्हें शुक्रिया अदा करना भूल जाते हैं, तब हमारे एंसेस्टर यानी हमारे पूर्वज तितलियों के रूप में आके और अपना प्रेजेंस शो करते हैं। वो बताना चाहते हैं कि आप उन्हें याद कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो। अगर आप उन लोगों में से हैं कि डेली ही अपने एंसेस्टर को याद करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो आपको इस तितली के रूप में शुक्रिया अदा करने आए हैं एंड बहुत सारी ब्लेसिंग देने आए हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बताती हूँ कि आपको जो भी परमात्मा की तरफ से मिलता है ना, ब्लेसिंग मिले, जो भी मिले, लक मिले, गुड लक मिले, किसी भी तरह की ब्लेसिंग मिलती है ना, तो वो आपको आपके एंसेस्टर के जरिए ही मिलती है। तो अपने एंसेस्टर का रिस्पेक्ट किया कीजिए एंड जितना हो सके उनकी पूजा कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए कि उनकी वजह से आपका वजूद है, क्योंकि वो आपकी नींव रह चुके हैं। तो अगर इस तरह का संकेत मिल रहा है, बहुत खुश होने की ज़रूरत है। डिवाइनिक एंजल, सुप्रीम पावर हमेशा हर कदम पर आपके साथ हैं और हर तरह से वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्रिया अदा कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो रिक्वेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी अपने बैड कर्मा को हील करने के लिए अपने छतों पर चिड़ियों के लिए दाना या रोटी रखिए, साथ में पानी रखिए ताकि वो आए, खाएं और पानी पिए, आपके कर्मा को हील करें। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। राधे राधे।